वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचडी एक्वा। तो आज होने वाला है मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा प्लांटेड टैंक सेटअप, जो कि होने वाला है मेरे दोस्त के घर पर। तो हमने जब प्लांटेड टैंक रेडी करना चालू किया, तब हमने सोचा था क्या ही बड़ी बात होगा, हमने तो बहुत सारे प्लांटेड टैंक रेडी किया है। बट प्लांटेड टैंक रेडी करते करते हमको बहुत सारे चीज सीखने को मिला है और हमने बहुत सारे चीज फेस किया है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हमने कैसे एक 3 फीट का प्लांटेड टैंक रेडी किया है, जो कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा प्लांटेड टैंक होने वाला है। तो आज इसके ऊपर ही बात होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। और मेरे चैनल में नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जाओ जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारे फैमिली का मेंबर बन जाओ। तो चलो ज्यादा देर न के चलते प्लांटेड टैंक की ओर। इधर देख सकते हो दो बड़े बड़े वाले ड्रिप रूट जो कि जाने वाले हैं हमारे टैंक में, और इधर हमने बड़े बड़े स्टोन के साथ इसको अटैच कर दिया, जिससे क्या होगा ये ऊपर की ओर नहीं आएगा और सारे के सारे नीचे सेट रहेंगे, यानी कि हमारा प्लांटेड टैंक बर्बाद होने का चांसेस कम हो जाएगा। और ये सारे ड्रिप रूट हमारे बड़े वाले टैंक में 2-1 तक था, बट इसको हम हॉट वाटर बाद देने वाले हैं, जिससे क्या होगा सारे के सारे कीटाणु बैक्टीरिया जीवाणु जो जो चीज है वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारे हॉट वाटर लेना पड़ेगा, जिसको आप ऐसे ऐसे डाल सकते हो, नहीं तो आपका ड्रिप रूट छोटा है तो पानी में डालकर बॉयल कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट ठंडा पानी मार देना। इससे क्या होगा टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि कम ज़्यादा होने की वजह से सारे के सारे जीवाणु बैक्टीरिया कीटाणु सारे मर जाएंगे और आपका ड्रिप रूट पूरा फ्रेश हो जाएगा। वो तो गया हमारे टैंक का डीप रूट, बट अभी फिलहाल आने वाला है हमारे टैंक का मेन चीज़ यानी कि प्लांट। तो पहले आ जाता है हमारे टैंक का क्रिप्टोकोडिन, उसके बाद आता है जंगल वेल या वेलिस नीडिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है कुबाम्बा और उस कॉर्नर में रखा हुआ है बहुत सारे अमेजोन स्वर्ण, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे से सही थे जो कि यूज होने वाला है हमारे टैंक में। ये देखो छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से अमेजोन स्वर्ण, ठीक है, ये हम ग्रो करवाने वाले। और इसको भी छोड़कर है ये सेगिथेरिया, छोटे छोटे वाले सेगिथेरिया। और इधर है हमारे दोस्त के हाथ में मेन चीज़ यानी कि एनोबियस दाना गोल्ड, इसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग गेस करो और कमेंट में बोलो। और ये है हमारा टैंक जिसको कि हम फुल्ली प्लांटेड करने का कोशिश तो करेंगे, और ये देख सकते हो थोड़ा अंधेरा लग रहा है क्योंकि हमने लाइट अभी फिलहाल नहीं लगाया, और इसमें मिट्टी डालना कम्प्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल देखो फ़ोन का फ्लैश आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, तो देख सकते हो हमने कैसे मिट्टी यूज़ किया। और ये जो मिट्टी है खेत वाला मिट्टी है, तो आपको इसके ऊपर फुल वीडियो देखना है आप कैसे खूब ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में एक प्लांटेड टैंक रेडी कर सकते हो। तो जाओ जाकर जल्दी जल्दी देखो, मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है, जाके देख के आओ और लाइक शेयर कमेंट जो जो करना पड़ता है कर देना। और सैंड ऐड करने के बाद हमारा टैंक देखने में कुछ ऐसा लगता है। हाँ, इधर देख सकते हो पीछे की ओर से थोड़ा ऊँचा है, सामने की ओर से नीचा, और साइड साइड से देख सकते हो कॉर्नर की ओर कुछ मेरे दोस्त ने कलाकारी की है, जिससे इसका लुक थोड़ा और अच्छा होगा। और इधर हम यूज़ कर रहे हैं 15 वाट का एक LED बल्ब, जिससे कि हम इस प्लांट टैंक को फुल रोशन करने वाले हैं। इधर है मेरे हाथ में बड़ा वाला ड्रिप रूट जो कि है बहुत ही भारी, और इसमें उसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े वाले स्टोन्स है, जिससे कि हमारा जो एक्वेरियम है वो भी टूट सकता है। तो इसलिए मुझको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा ड्रिप रूट मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है और इतना भारी ड्रिप रूट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। इधर से उधर चूक हुआ तो हमारा टैंक पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है, तो इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा और बहुत ही हल्के हाथों से काम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा मिट्टी और जो स्टैंड है इधर उधर ना जाए और हमारा ग्लास जो है वो भी सेफ रहे और हमारा ड्रिप रूट भी अच्छे से सेट हो जाए। कुछ देर बाद तो हार्डस्केप देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया है एक साइड में हम कुछ ज़्यादा प्लांट यूज़ करने वाले और एक साइड में कम। इससे फिशेस को एक साइड में हाइडिंग प्लेस और बेबी ले करने का जगह मिल जाएगा और एक साइड में फ्री स्विम करने का जगह। सब कुछ तो हो गया, अभी फिलहाल बारी आता है प्लांटिंग का यानी कि प्लांट को प्लांट करने का, जो कि हमारे पास देख सकते हो बहुत सारे प्लांट हैं। और इस टैंक के बैकग्राउंड में मैं यूज़ करने वाला हूँ जंगल बेल और कुबाम्बा, और सामने की ओर कुछ सेगेटेरी और कुछ छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से जो है हमारे पास अमेजोन स्वर्ट वॉइच। तो चलो ज़्यादा देर न किए चलू करते हमारा प्लांटेशन का काम, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये देखो कितना बड़ा जंगल वेल, 3 फीट है तो, बट बहुत ही बड़ा प्लांट है। तो चलो ज़्यादा वक्त ना गवाए चालू करते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम है।
प्लान तैयार करने के बाद हमारा टैंक हालत कुछ ऐसा है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। और पानी ऐड करने के बाद इसका हालत कुछ ऐसा हो गया। हाँ, मुझे तो पता ही था जो सैंड वाले, जो मिट्टी वाले डस्ट है वो तो ऊपर की ओर आ जाएंगे, बट मुझे ये नहीं पता था इसके साथ साथ जो हमारा ड्रिप रूट है वो भी ऊपर आने का कोशिश करेगा। हाँ, हमने जितने भी सारे पत्थर ऐड किए थे उसमें से आधा पत्थर खुल चुका है और ये जो ड्रिप रूट है ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा टैंक पूरा पूरी तो नहीं, आधा से ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। तो हमको इसको फिर से रिस्केप करना पड़ेगा और इस टाइम मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, यानी कि ज़्यादा ख्याल रखूंगा जिससे ड्रिप रूट ऊपर की ओर ना आए। इसलिए जितने भी सारे पत्थर हैं, हाँ इधर मैं दूसरे वाले पत्थर यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं काटने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं इसको बहुत ही आसानी से बांध पाऊँ और ये आसानी से ना छूटे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, इसको ऐसे करने के बाद ड्रिप रूट ऐड करने के बाद टैंक का हालत देख सकते हो बहुत ही मैसिव हो चुका है। कुछ प्लांट इधर है तो कुछ प्लांट उधर। हाँ, हमने इधर से कुछ प्लांट निकालने का सोच लिया है और कुछ प्लांट इधर से उधर शिफ्ट कर दिया है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो टैंक है वो और थोड़ा नेचुरल फील देगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली अब इसमें पानी जाएगा, उसके बाद फिल्टर और उसके बाद 2 दिन साइकिलिंग पे। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं 2 दिन के लिए और मिलते हैं 2 दिन बाद। अब तक 2 दिन लेता हमारा टैंक फुल्ली साइकिल हो चुका है और प्लांट जो थे बहुत ही हेल्दी है और ये लाइट के अकॉर्डिंग सेट होना चालू भी कर दिया है। यह है एक वाटरफॉल जो कि बनाया है मेरे दोस्त ने, जो कि देखने में बहुत ही इंटरेस्टेड है। हाँ, यह है फिल्टर का पाइप सिर्फ और कुछ नहीं है। अब भी आपके टैंक में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो और आपके टैंक को बहुत ही इंटरेस्टेड बना सकते हो। तो चलो, टैंक रेडी है, सब कुछ हो चुका है, पानी साइकिल है, अभी फिलहाल लाने जाएंगे हम फिशेस। हम जा रहे हैं मछलियाँ लाने। यो, इनका मछलियाँ है। तो कैसा लग रहा है मछलियाँ लेने जा रहे? बहुत बढ़िया। और आपको काला हो गया? रुको रुको, लाइट आने दो, जल्दी आओ, एक्सीडेंट होके ही मानेंगे हम। अब बोलो कैसा लग रहा है आपको मछलियाँ खरीदने? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो एक्वेरियम पूरा बनाया था लेकिन इसने क्रेडिट ले लिया। बहुत देर तक बहुत सारे चीज देखने के बाद हमको पसंद आ चुके थे। कुछ एंजल्स, हॉकी स्टिक, छोटे छोटे से रेड कलर के टाइगर बार और कुछ विडो डेटा। इधर से हम सारे के सारे चीज पैक करवा के चले गए थे। घर जाने के बाद हम पैकेट को लेकर कुछ ऐसे डाल देते और 10 मिनट बाद हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। देखो ये कितने ज़्यादा खुश है और इधर उधर स्पेस मिल रहा है तो इधर उधर घूम रहा है। सब कुछ तो ठीक है बट इस टैंक में इतने सारे फिश थोड़ा खाली तो लग रहा है। तो 3 दिन बाद है संडे और संडे मतलब गलीफ स्ट्रीट। तो इस संडे मैं जाऊंगा गलीफ स्ट्रीट जाके मुझे क्या फिशेस मिलेंगे, जो फिशेस मैं सोच रहा हूँ लाऊंगा। तो चलो 3 दिन बाद मिलते हैं और देखते हैं मैं कौन कौन सा फिश ले आ सकता हूँ। इस सारे पैकेट में बहुत सारे मछलियाँ जो कि आए हैं गलीफ स्ट्रीट से और ये जाने वाले हैं इस टैंक में। उससे पहले पैकेट्स को मैं ऐसे ही 10 मिनट्स के लिए छोड़ने वाला हूँ जिससे कि सारे के सारे मछली एक्मिटाइज हो जाएंगे और इनके मरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। A few moments later. हाँ, इस टैंक में इतने सारे फिशेस रहने वाले। इस टैंक में मैं और फिशेस छोड़ता हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, वीडियो दे दूंगा, देख लेना। और 1 मंथ बाद इस टैंक का हालत क्या होता है वो भी मैं दिखा दूंगा, देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना पड़ता है कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए फिर से एक बार बाय बाय।